बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ 22वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। 22वें पारे की जहाँ से इब्तिदा होती है, ये सूरह अहज़ाब चल रही है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मुआशरती मसाइल बयान फरमाए हैं, जिसमें सबसे पहले जो आयात हैं इसमें बुनियादी तौर पर बराह रास्त तो अज़वाज मुतहरात को खिताब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुखातब फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम उम्मत की ख्वातीन के लिए अहकाम हैं, उनके लिए इसमें अल्लाह ताला ने अहकाम बयान फरमाए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। इस पहली आयत में खास तौर पर अज़वाज मुतहरात के लिए ही हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फरमा रहे हैं कि अगर नेक अमाल करेंगी तो अल्लाह उन्हें अजर भी दोहरा देगा। इसके बाद आगे खिताब तो अज़वाज मुतहरात को है, लेकिन हुक्म आम है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अज़वाज मुतहरात को कि वह तकवा इख्तियार करें, और उसके बाद उनको ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो जब मर्दों से बात करें तो नरमी के साथ बात ना करें, और उसकी वजह यह है कि अगर वह नरमी से बात करेंगी तो जो लोग दिन में जिनके बुराई होती है, दिन में तमा रखते हैं, तो वो उनके बारे में गलत सोचेंगे। और ये आम औरतों को भी हुक्म है कि जब वो गैर मर्दों के साथ बात करें तो बहुत ज़्यादा उनके साथ नरमी से और इस अंदाज से बात ना करें कि किसी के दिल में बुरे ख्यालात उनके लिए आएं। फिर इनको ये भी कहा जा रहा है कि वो अच्छी बातें करें, सही सही बात करें, अच्छी बात करें। और अगला हुक्म उनको ये दिया जा रहा है कि वक़र नफ़ी बुयूतिकुन्न, कि औरतों को का असल जो मकाम है वो समझाया जा रहा है कि आप घर में रहें, घर में रुकी रहें, और घर को इस्टेब्लिश करना, फैमिली बनाना, बच्चों की तरबियत करना, ये उनका असल काम है। किसी वक्त अगर ज़रूरत पड़े और मजबूरी हो तो ज़ाहिर है कि घर से निकल सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं, कारोबार कर सकती हैं, लेकिन अगर उनको कोई ज़रूरत ना हो, उनकी ये सारी ज़रूरतें उनके खावंद, उनके वालिद, उनके भाई पूरी कर रहे हों, तो फिर उनका असल काम यह है कि वो घर में रह के अपना किरदार अदा करें। तो कहा जा रहा है कि घर में रहें, और जाहिर है कि जब बाहर निकलने की ज़रूरत हो तो बाहर निकल भी सकती हैं, तो उसका भी फिर बताया जा रहा है कि वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। पहली जाहिलियत में जिस तरह औरतें बाहर निकलती थी, बन सवर के मर्दों के सामने आती थी, वैसा आपने नहीं करना। और इससे पता ये चलता है, ये जो कहा जा रहा है कि पहली जाहिलियत में जिस तरह से औरतें निकलती थी, कि बाद में एक बार फिर ऐसा वक्त आएगा, यानी उस वक्त ये बताया जा रहा है गोया कि जब औरतें बन सवर के बाहर निकलेंगी और लोगों को फितने में मुब्तला करेंगी, और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आज वो दौर आ चुका है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ये मसला है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और तमाम ख्वातीन को, हमारी माओ बहनों को पर्दा करने और इसी के अहकाम के मुताबिक घर से बाहर निकले की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया जा रहा है कि वाकिमनस्सला, ज़कात, नमाज कायम करें, नमाज को इस्टेब्लिश करें, और ज़कात अदा करें, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। तो ये सारे अहकाम तमाम ख्वातीन के लिए हैं, तमाम मुसलमान ख्वातीन के लिए हैं। इसके बाद आगे अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों और औरतों की बड़ी अहम सिफात बयान फरमाई हैं, और तालीम उसमें यह है कि हमारे अंदर ये सिफात होनी चाहिए। सबसे पहले इस्लाम है, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, और फिर ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, यानी दिल में भी अकीदा और ईमान दुरुस्त होना चाहिए, और आमाल के ऊपर भी इस्लामी अहकाम नज़र आने चाहिए। और फिर आजजी इख्तियार करने वाले मर्द और आजजी इख्तियार करने वाली औरतें, यानी तवाज़ु जिनके अंदर हो, और फिर सच्चाई का भी यह फरमाया, और फिर सब्र का, और खुशू और खुजू और सदक़े के बारे में, और फिर रोज़ा और शरंगाओं की हिफाजत, और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र, यानी ये वो सिफात हैं जो तमाम मर्दों में और तमाम औरतों में, मुसलमानों में होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जिनके अंदर ये सिफात हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाता है और उन्हें बहुत बड़ा अज्र अता फरमाता है। इसके बाद आगे जो ज़माने जाहिलियत में एक रस्म थी जो कि शरीयत के मुताबिक नहीं थी, अल्लाह ताला ने उसका रद्द फरमाया है, यानी उसकी इस्लाह फरमाई है। वो रस्म ये थी कि जो कोई आदमी किसी दूसरे बच्चे को अपना मुंह बोला बेटा बना लेता था, तो फिर सारे उसके अहकाम वही समझे जाते थे जो हकीकी बेटे के होते हैं, यानी विरासत का जैसे हो गया, या जिस तरह से हकीकी बेटे की मुतल्लका के साथ शादी नहीं कर सकता इस बेटे का वालिद, यानी इसका वालिद जिस तरह से इसकी मुतल्लका बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता, तो मुंह बोले बेटी की बीवी के साथ भी शादी को ममनू समझा जाता था, सारे अहकाम वैसे ही समझे जाते थे। तो उसकी इसलाह की जा रही है, और उससे पहले एक उसूली बात यह बताई जा रही है कि जब अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए किसी चीज़ का फैसला कर दें तो फिर तुम्हारे लिए उसमें गुंजाइश नहीं होती कि तुम उसका इनकार करो। और फिर उसके बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी करवाई थी अपनी फुफ्फुज़ात ज़ैनब बिन्त जहश के साथ, फिर ये शादी नहीं चली, और जब उनकी अलहदगी हो गई तो अल्लाह ताला ने पहले से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि यह अलहदगी होगी और फिर आप इनसे शादी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उसकी यहाँ पे
आगे उसका बयान फरमाया है, और इसका मकसद ये था ताकि लोगों में जो एक रस्म है उस रस्म की इसलाह हो जाए। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का भी बयान है, अल्लाह ताला फरमा रहे मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन, आप नबियों के सिलसिले की मोहर हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला जो आगे अपनी नबूवत की दावत है। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से आएंगे, उन्हें अल्लाह ताला ने आसमान पे जिंदा उठा लिया था, वो दोबारा आएंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की वो दावत देंगे। इसके बाद आगे कुछ खुसूसी अहकाम हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कुछ अमूमी अहकाम हैं। जैसे अमूमी अहकाम में मुसलमानों को ये हुक्म है कि अगर वो किसी औरत से निकाह करें और फिर उसको रुख्सती के बगैर आपस में खलबत के बगैर अगर अलहदगी हो जाए तो उसकी इद्दत क्या है वो बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ खुसूसी अहकाम हैं कि किन खवातीन से आप शादी कर सकते हैं और कितनी शादियां आपके लिए इजाज़त हैं उनकी, इसके बारे में फरमाया। और फिर मुसलमानों को ये बताया गया, आगे तालीम दी गई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाएं तो किन आदाब के साथ जाएं। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाए सहाबा, और काफ़ी देर पहले तशरीफ़ ले आए और बाद में भी काफ़ी देर बैठे रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा, लेकिन आपने हया की वजह से कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी के घर में जब जाओ तो क्या करो, इजाज़त से जाओ नंबर वन, और दूसरी बात यह है कि जब खाना खाने के लिए जाओ तो जब खाना तैयार हो उस वक्त जाओ, और तीसरी बात यह है कि जब खाना खा चुको तो फिर चलते बनो, फिर वहाँ पर बैठ के बातें न किया करो। और फरमाया कि अल्लाह के नबी को ये चीज़ तकलीफ देती है लेकिन वो हया की वजह से आपको कहते नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला आपको सही बात बता रहा है, वो इससे हया नहीं करता। अगला हुक्म ये दिया गया कि जब अज़वाज मुतहरात से किसी चीज़ का मुतालबा करो, कोई चीज़ उनसे लो तो पर्दे के पीछे से लो, यानी ताकि पर्दे का अहतमाम हो, बेपर्दगी ना हो। इसके बाद आगे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मुसलमानों को एक हुक्म दिया है, कहलवाया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन, ए अल्लाह के नबी आप अपनी बीवियों को कह दीजिए, अपनी बेटियों को कह दीजिए और मुसलमानों की औरतों को कह दीजिए क्या युदजीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि वो अपने चेहरों को और अपने सीने को अपने गरिमान को बड़े कपड़े से ढांप के रखा करें जब गैर मर्दों के सामने उनका आना जाना हो, तो फिर वो पर्दे में रहें, मुकम्मल पर्दे में रहें। और ये इसमें सबक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा जा रहा है कि अपने घर वालों को मुसलमान औरतों को ये कहें, हालांकि इसका बड़े रास खिताब भी तो हो सकता था। इसमें एक तरह से तालीम ये है कि पर्दे का अहतमाम करवाना, जहां औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है वहां मर्दों को भी ये हुक्म है कि अपने घरों में अपनी बीवियों अपनी बेटियों अपनी बहनों से पर्दा करवाएं, उसका अहतमाम करें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ का वो माहौल बनाएं, इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके बाद आगे सूरत शुरू होती है सबा, और ये जो सूरत है बुनियादी तौर पर इसमें एक ही मजमून है कि अल्लाह ताला जब किसी को नेमतें अता फरमाते हैं तो अगर वो शुक्र करते हैं तो नेमतें बढ़ती हैं, अगर वो नाशुक्री करते हैं तो नेमतें अल्लाह ताला वापस छीन लेते हैं। इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की कुछ निशानियाँ बताईं जो इंसानियत पर अल्लाह ताला के एहसानात हैं, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जो चीज़ें बनाई हैं उसका बयान है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि मुशरिकीन कहते थे कि ये अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब हम फोत हो जाएंगे तो हमें दोबारा पैदा किया जाएगा, तो वो इस पर बड़ा ताज्जुब करते थे। अल्लाह ताला ने उसका भी रद्द फरमाया और कहा कि अल्लाह ताला के लिए कोई वईद नहीं है, अल्लाह ताला दोबारा तुम लोगों को पैदा करेगा। और इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है कि अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहाड़ और परिंदे उनके ताबे कर दिए थे और लोहा उनके ताबे कर दिया था, उनके लिए नरम कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनके लिए हवाएं अल्लाह ने उनके ताबे कर दी थी, जिन उनकी बात मानते थे उनके ताबे थे और उनके हुक्म पर काम करते थे। इसके बाद आगे इस सूरत का जो नाम है सबा, कौम सबा का, क्योंकि इस पर तज़किरा है, उसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया कि अल्लाह ने उन पर बड़ी नेमतें नाजिल की हुई थी, उनको बागात दिए हुए थे और उनके लिए पानी चश्मे अल्लाह ने जारी किए हुए थे, और जो सफ़र वो करते थे तो उस सफ़र के लिए अल्लाह ने उनके लिए बड़ी आसानी कर दी थी कि छोटी छोटी मंजिलों पे थोड़े थोड़े फासले पे अल्लाह ने आबादियां कायम की हुई थी, तो उनके लिए सफ़र आसान था। लेकिन इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र करने के बजाय नाशुक्री की, और बड़ी अजीब बात कि कहने लगे कि इस सफ़र का तो मज़ा ही नहीं आता, यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर बाद फिर आबादी आ जाती है, वहाँ आराम कर लेते हैं फिर आबादी आ जाती है, तो यानी उसमें एडवेंचर नहीं है। तो कहने लगे कि ये दूर दूर होने चाहिए, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस नाशुक्री की वजह से फिर उनसे ये नेमतें वापस छीन ली। इसके बाद आगे तौहीद का जिक्र है, शिर्क का रद्द है। उसमें आम तौर पर जो शिर्क होता था मुशरिकीन में भी और बाद में भी, वो चार तरह का तकरीबन शिर्क होता है। एक ये है कि लोग ये समझते हैं, ये तो सब समझते हैं कि पैदा तो सबको अल्लाह ताला ने ही किया है,
लेकिन बाज़ लोगों का फिर ये ख्याल होता है, वो अल्लाह ताला में के साथ इस तरह किसी को शरीक बना लेते हैं कि कायनात की कुछ चीज़ों का अल्लाह ताला ने मालिक और चीज़ों को भी बना दिया है, रिश्तों को बना दिया है या मुकर्रब इंसानों को बना दिया है, नबियों को बना दिया है, तो ये शिर्क के कुछ चीज़ों का मालिक अल्लाह के सिवा और लोग भी हैं। और दूसरा एक शिर्क ये होता है कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर तो किसी को अपना मालिक नहीं बनाया किसी चीज़ में, लेकिन यह है कि अल्लाह ने उसको अपना पार्टनर बना लिया, अपना शरीक बना लिया है और अब वो दोनों हैं उसमें। और तीसरा ये होता है कि अल्लाह ताला ने उनको शरीक तो नहीं बनाया लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इख्तियारात दे दिए हैं। और चौथा ये होता है कि अल्लाह ताला ने उनको इस तरह से इख्तियार दे दिया है शफात का कि क़यामत में वो जिसकी भी शफात करेंगे वो वहाँ से निकल जाएगा, बच जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उलिदुल्लज़ीन ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को भी पुकारते हैं उनको कह दीजिए ला यमलिकून मिसकाल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़। पहले वाले किस्म की शिर्क की रद्द है कि वो जो इनके शरीक हैं वो किसी भी ज़र्रा बराबर चीज़ के मालिक नहीं हैं इस दुनिया में। और फिर वमा लहु फीहिमा मिन शिर्क, वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क, और इस कायनात में अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा की हैं उसमें उनकी कोई शिरकत भी नहीं है, तो दूसरी किस्म का जो शिर्क था उसका रद्द। वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर, और तीसरी जो उनकी शिर्क होती थी कि अल्लाह ने अपने मददगार बनाए हुए हैं, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह का कोई मददगार भी नहीं है। और चौथी जो उनका ख्याल था कि हम जो भी जिनको हमने शरीक बनाया अल्लाह का, तो वो जिस चीज़ की भी शफात करें अल्लाह वो कबूल कर लेते हैं, तो अल्लाह फरमाए वला तनफाउ शफात इंदहु इल्ला लिमन अज़न लह, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हर वक्त वहाँ पे शफात का इख्तियार हो, जिनको अल्लाह ताला इजाज़त देंगे तो ज़ाहिर है कि वो अल्लाह ताला के हाँ फिर शफात करेंगे, उस शफात को माना भी जाएगा। तो ये चार किस्म के जो शिर्क आमतौर पर होते थे, चारों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रद्द फरमाया है। इसके बाद आगे एक मुकालमा है जो क़यामत वाले दिन जो मुशरिकीन होंगे, जो गैर मुस्लिम होंगे, जब उनको अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा तो वो एक दूसरे के साथ करेंगे, जो उनके कमज़ोर लोग हो गए वो उनके जो ताकतवर और कवि और बड़े लोग होंगे उनसे कहेंगे कि हम तुम्हारी वजह से आज ये अंजाम देख रहे हैं, और वो कहेंगे कि नहीं, हमने तो तुम्हें सिर्फ कहा था, तुम्हारे सामने सही राह भी थी, तुम उसको मान लेते आज यहाँ अंजाम तुम्हारा ना होता। तो ये अल्लाह ताला ने उनका एक मुकालमा जिक्र किया है। इसके बाद आगे सूरह फातिर शुरू होती है, और सूरह फातिर में बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अपनी कुदरत की निशानियां बताई हैं और अपनी ताकत की चीज़ें बताई हैं, और फिर इंसान का इज्ज अल्लाह ताला ने बताया है कि इंसान बड़ा आजिज़ है, या अपने रिज्क में भी आजिज़ है, या अपनी सेहत में भी आजिज़ है, या अपने क़याम और अपनी बका में भी, हर चीज़ में अल्लाह ताला का आजिज़ है। हर चीज़ पे हकीकी जो इख्तियार है, हकीकी इख्तदार है, हकीकी ताकत है, वो अल्लाह ताला की है और इंसान उसका मोहताज है। अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर ये मज़मून इसमें बयान फरमाया है। शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, उसने अपने फरिश्तों को बनाया, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे उस रहमत को कोई रोक नहीं सकता, और जिसको अल्लाह ताला जिससे अपनी रहमत को अपनी नियमतों को रोक ले उसे वो कोई दे नहीं सकता। तो गोया कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सारा इख्तदार सारा इख्तियार मेरे पास है, इंसान आजिज़ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की नियमतों को याद करो, और फिर ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी राजिक नहीं है, आसमान और ज़मीन रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, तसल्ली दी जा रही है कि अगर ये लोग आपकी तकज़ीब करते हैं तो आपसे पहले जो अंबिया आए उनकी अफवाह उनकी तकज़ीब करती रही हैं, आपने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसके बाद आगे अल्लाह ताला ने मज़ीद इसी तरह से अपनी कुदरत की निशानियां हैं वही बयान फरमाई हैं। अल्लाह ताला ही है जो हवाओं को भेजता है और वो बादल को उठाती हैं और फिर उसके ज़रिए से बारिशें बरसती हैं। अल्लाह ताला उसके ज़रिए से तुम लोगों को रिस्क भी देता है, तुम्हें ज़िंदगी देता है। आगे ये भी बताया कि इज़्ज़त वो सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए है, और आगे अल्लाह ताला ने बताया फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो गनी ज़ात है और तुम फ़कीर हो, सारी चीज़ें अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में हैं, तुम फ़कीर हो, अल्लाह ताला गनी है। आगे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की कुछ मज़ीद निशानियाँ बताईं, अल्लाह ताला किस तरह से बारिशों के ज़रिए से फनों को पैदा फरमाता है, फिर फनों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, मुख्तलिफ उनके ज़ायके होते हैं, और इस तरह से इस सूरत के आखिर में फिर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को और आम इंसानों को भी यह हुक्म है कि वो ज़मीन में चले फिरें, देखें तो सही कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला की बात को नहीं माना फिर उनका क्या अंजाम हुआ। तो ये इंसान जब सफ़र करता है तो उसको ये सबक हासिल होता है कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला की बात को नहीं माना उसका क्या अंजाम हुआ। खुसूसियत के साथ अगर आदमी वहाँ का सफ़र करे, उन ममालिक का, उन शहरों का जहाँ पे कौम आद, कौम समूद और कौम लूत ये गुजरी हैं, तो वहाँ पर यह चीज़ समझ आती है। उसके बाद सूरह यासीन शुरू होती है, और सूरह यासीन बुनियादी तौर पर चार बातों के मुतालिक
ये है, और उसमें क्या है, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत और किताब, ये चार बुनियादी जो इस्लाम की चीज़ें हैं उसके बारे में सूरह यासीन बात करती है। इसी वजह से सूरह यासीन को कुरान का दिल भी कहा जाता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियो में आप इसका खुलासा समाप्त फरमाएंगे। इसके साथ 22वां पारा मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।